और एक बार फिर से रुख करते हैं अहम खबर का, जहां पाकिस्तान के वायुसेना एयरबेस मियांवाली में आत्मघाती आतंकी हमला हुआ है। बड़ी खबर यह है कि 3 आतंकियों को इसमें ढेर भी किया जा चुका है। लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई। हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। तेजेंद्र जी, कितनी बड़ी है ये खबर, जिस तरीके से मियांवाली एयरबेस पर यह आत्मघाती हमला हुआ है और लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश इसमें की गई है? देखिए जैस्मिन, अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले तब की अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को एक नसीहत दी थी कि अगर आप जहरीले सांप अपने बैकयार्ड में पालेंगे ये सोच के कि ये सांप सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेंगे तो आप गलत हो, एक दिन ये सांप आपको वापस आके आप ही को काटेंगे। और पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को ट्रेन किया था कि ये भारत पे या पाकिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं जिनमें अफगानिस्तान हुआ या ईरान हुआ उन पे ये आतंकी हमले करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये आतंकवादी अब फिर से पाकिस्तान को ही अपना निशाना बना रहे हैं। आए दिन हम देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान पे इस तरह के आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कभी मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं, कल भी हमने देखा कि पाकिस्तान में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें कई बेगुना लोग मारे गए। और आज का ये जो आतंकवादी हमला है पाकिस्तान को फिर से ये चीज की नसीहत देता है कि आतंकवाद को पुष्ट पनाही देना, आतंकवाद को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना एक दिन आपके लिए खुद हानिकारक हो सकता है। आज सुबह की जो जानकारी है, मियांवाली एयरफोर्स बेस है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, जिसमें मल्टीपल सुसाइड अटैक हुए हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है 6 से 6 के करीब आतंकवादियों ने इस एयरफोर्स बेस पे हमला किया है, जिसमें 3 आतंकवादियों को तो मार गिराया गया, लेकिन अभी जो 3 है वो एक कॉर्नर उनको कर लिया गया है और वहां पर उनके साथ एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। जानकारी जो ISPR जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी का एक उनका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने ये जानकारी दी है कि कुछ वहां पर जो एयरक्राफ्ट खड़े थे उनको डैमेज हुआ है। हालांकि अभी डिटेल शेयर नहीं की गई है कि किस तरह के एयरक्राफ्ट थे जिन्हें डैमेज हुआ है, लेकिन ये एक फाइटर प्लेन का एयरबेस है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो इंपॉर्टेंट एयर एसेट्स हैं उन्हें डैमेज हुआ है इस आतंकवादी हमले में। पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ग्रुप है तहरीक जिहाद पाकिस्तान TJP, उसने इस आतंकवादी हमले की जो जिम्मेदारी है वो ली है। हालांकि TJP ने अभी ये घोषणा नहीं की है कि कितने आतंकवादी या कितने उनके लोग इस हमले में इन्वॉल्व थे, लेकिन ISPR ने ये जानकारी दी है कि 3 आतंकवादी इस हमले में मारे गए हैं, 3 अभी जो बचे हुए हैं उन्हें कॉर्नर कर दिया गया है और एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। हालांकि अभी कितने पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी इस एनकाउंटर या इस आतंकी हमले में मारे गए हैं उसकी जानकारी भी अभी पाकिस्तान ने शेयर नहीं की है। जी जैस्मिन, बिल्कुल तेजेंद्र जी, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान समय समय पर भारतीय सेना को चुनौती देता है, भारतीय सेना का जो सुरक्षा तंत्र है उसे चुनौती देता है, लेकिन खुद पाकिस्तान में उनका सुरक्षा तंत्र कितना कमजोर है कि बड़ी आसानी से मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर वो घुस जाते हैं। 6 फिदायीन हमला ये बताया जा रहा है और 6 हथियारों से लैस आतंकवादी यहां पर घुस जाते हैं, विमानों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें आगजनी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था खुद कितनी लचर है इस वक्त। देखिए जैस्मिन, पाकिस्तान में इस तरह के जो आतंकवादी हमले हैं वो अब रोज की बात हो चुकी है। चाहे वहां पर आपने देखा कि किस तरह से लोगों को मारा जाता है, जिस तरह का पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान आर्मी जो है, जैसे आपने ये बात कही, पाकिस्तान आर्मी शुरू से ही एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ उनको वहां पर उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ पावर चाहिए और पैसा चाहिए और रिटायरमेंट के बाद एक आलीशान कोठी चाहिए। यही जो फोकस है वो पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का है। उनके जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो रिटायरमेंट के बाद जाके एब्रॉड सेटल हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के आम लोगों के लिए, पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए उन्हें कोई कंसर्न नहीं है, उन्हें
अगर कुछ कंसर्न है तो अपनी जो उनकी अपनी प्रॉस्पेरिटी का ही उनका एम रहता है। तो इसलिए पाकिस्तान में शुरू से ही एक बुरी हालत बनी हुई है, लोगों को खाने के लिए चीजें नहीं मिल रही, वहां पर इकोनॉमी की बुरी हालत है। पीआईए जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस है उन्हें घाटा झेलना पड़ रहा है, कई फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। तो पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों को ट्रेन किया था कि ये आतंकवादी पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों में अशांति फैलाएंगे, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो। लेकिन अब ये आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान को ही अपना निशाना बना रहे हैं। हालांकि अभी तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने जिस आतंकी संगठन ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, उन्होंने हालांकि अभी ये नहीं बताया कि उन्होंने इस हमले को क्यों अंजाम दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान से जो अफगानी रेफ्यूजी वहां पर रह रहे थे उन्हें निकाला जा रहा है, उन्हें जबरन वहां से बेघर किया जा रहा है, कई लोग जो पाकिस्तान में ही जिनका जन्म हुआ था उन्हें भी मजबूर किया जा रहा है कि वो वापस पाकिस्तान अफगानिस्तान चले जाएं। हो सकता है कि उसकी रिटेलिएशन में ही ये हमला किया गया हो, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो अफगानी पाकिस्तान में रह रहे थे। अफगानिस्तान अगर वो जाएंगे वो तब अफगानिस्तान से भागे थे जब वहां पर तालिबान की हुकूमत थी और तालिबान के टारगेट पे थे वो लोग। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर वो वापस अफगानिस्तान जाएंगे तो तालिबान उन्हें सजा देंगे या उन्हें जान से मार देंगे। तो हो सकता है कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने उसी के लिए मैसेज देने के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स बेस पे हमला किया है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जब तक कोई क्लेम ये नहीं बताता तहरीक जिहाद पाकिस्तान की उन्होंने ये हमला क्यों किया है, तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल तेजिंदर जी, क्योंकि ये जांच का विषय है और जब तक इस पूरे मामले पर जांच नहीं हो जाती कि किस मंशा के साथ इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया, कुछ भी कहना समय से पहले सही नहीं होगा। तेजेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।